जब बात करते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका थर्ड ओडीआई के बारे में, थर्ड ओडीआई जो हुआ है, टॉस जीता है माकरम ने, टॉस जीता पहले बॉलिंग का फैसला किया। माकरम स्मार्ट है, स्मार्ट है। चलिए ऐसे साउथ अफ्रीका का डर लगता है कब गिर जाए, बहुत पाइल ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाते हैं। ऐसे याद है आपको सेमीफाइनल, सेमीफाइनल। चलिए तो शुरुआत हुई, शुरुआत में हमारे दो ओपनर्स उतरे, साई सुदर्शन और रजत पाटीदार। दोनों ओपनर्स कुछ खास कर नहीं पाए, 10 और 20 रन पे आउट हो गया। हालांकि 30 शुरुआत की बात बात के जो सैमसन की, जो संजू सैमसन ने बनाए 108 रन, तो सैमसन भाई के गजब की वापसी हुई है इंडियन टीम में। वो अभी भी इग्नोर किए जा रहे थे, बट बीसीसीआई को उनको लाना ही पड़ा है। उन्होंने क्या वापसी की है, बनाए 108 रन बनाए हैं उन्होंने, अमेरिका में जाके बनाए हैं। बात की जाए ये इंडियन पिचेस पे नहीं बनाए हैं, ये बनाया साउथ अफ्रीका के पिच में। ये करियर के लिए इम्पोर्टेंट मोड हो सकता है संजू सैमसन के लिए। चल तो बात की जाए केएल राहुल की, तो केएल राहुल जी ने बनाए 21 रन, जो कप्तान है उन्होंने पारी में 21 रन बनाए हैं। अच्छी पारी थी उनकी, हालांकि एक टिपिकल वनडे पारी, 21 रन ठीक ठाक पारी खेल के गए वहां पे, थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश की इंडियन टीम को। बात की जाए तिलक वर्मा साहब के, तो हाँ भाई तिलक वर्मा जो थे मुंबई इंडियंस से, उन्होंने अपनी जो मुंबई इंडियंस ने उनको भरोसा दिलाया था, दिखाया था, और उसके बाद उनकी जो पारी शुरुआत हुई थी उसका उन्होंने अब इंडियन टीम में आकर उन्हें 52, तो अच्छी पारी खेली उन्होंने। बात की जाए रिंकू सिंह की, जो कि अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है, उन्होंने 38 रन बनाए 27 बॉल पे, जो कि वनडे में भी अच्छा कर रहे हैं। हालांकि वो T20 बैटर है, फिनिशर है, पर 38 रन बनाए हैं उन्होंने, तो ये अच्छी बात है। चलिए बात की जाए साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बारे में, साउथ अफ्रीका की बैटिंग के स्टार्ट की डीजा एंडरसन और टोनी डी जॉर्जी ने, तो उन्होंने 81 रन बनाए, जिनका सीरीज अच्छा जा रहा है। ऑलरेडी टोनी डी जॉर्जी इसके पहले भी वाले मैच में भी अच्छा रन बनाए थे, अभी वाले रन में भी अच्छा रन बनाए। उसके बाद जो है वियान मुल्डर है, जिन्होंने कि एक रन बनाया था, कि वियान मुल्डर एक ऑलराउंडर है, अच्छा खेलते हैं साउथ अफ्रीका में, अभी तक खेल भी चुके हैं। उसके बाद केशव महाराज, नांडे बर्गर, लिजर्ड विलियम्स, जो कि सारे बॉलर ही थे, कुछ खास रन नहीं बनाए, 14 रन 18 रन बनाए। बॉलर ही बचे थे, ऑलरेडी साउथ अफ्रीका ने हार मान लिया था एंड तक, एंड में वो कुछ लड़ नहीं पा रहे थे, 80 रन बचे थे, ऑलमोस्ट लास्ट में 9-10 रन की ओवर की रेट पे चला गया था रन रेट, और वहां से कुछ कर नहीं पाए साउथ अफ्रीका रन पे, जो कि 45 ओवर के आसपास। उसकी बात बात की जाए, चलिए तो बात किया जाए कुल मिला के इस इनिंग्स की बात किया जाए, तो साउथ अफ्रीका हार गए, तो करीब करीब 215 रन बनाए, 296 यानी करीब करीब 70 ऑड रन के आसपास से हार गई। तो आगे ये सीरीज अलग, ये इंडिया के लिए अच्छा जा रहा, पहला मैच भी जीते उन्होंने, थर्ड मैच भी जीत गए, तो सेकंड मैच ही थोड़ा सा खराब गया था, तो ये एक अच्छी वापसी है खराब वर्ल्ड कप के बाद। अभी हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी खेल के आए हैं, जो भी हम जीते थे उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी हम अच्छा कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका बाहर जाके हम अच्छा कर रहे हैं। चलिए अभी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, आगे देखते हैं T20 वर्ल्ड कप तक हम लोग कैसा करते हैं। तो चलिए, थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हेल्प कीजिए, कुछ गलत लगे तो फीडबैक भी दीजिए। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हरदीप सिंह ने 4 विकेट्स लिए, वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए, तो इंटरेस्टिंग है हरदीप सिंह अच्छा कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छे विकेट्स लिए थे, इस बार भी विकेट्स लिए हैं, तो एज एन जो एक प्लेस है बॉलर का, एक बॉलर की जो कमी है इंडिया की, जो फास्ट बॉलिंग है, हालांकि उसमें कुछ मेन बॉलर्स हैं जिनका प्लेस पक्का है बुमराह, बट हरदीप सिंह अपना जगह बना सकते हैं।